आज प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, सुबह 9 बजे पार्वतीकुंड और जागेश्वर धाम में करेंगे पूजा पाठ। पीएम पिथौरागढ़ में 4,194 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। चंपावत में 50 बेड वाले अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम में शामिल होंगे पीएम, कलाकार प्रस्तुत करेंगे शानदार शो। पीएम मोदी जोलिंगकोंग में भारतीय सेना बीआरओ आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पिथौरागढ़ का दौरा, सुरक्षा इंतजामों और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी ने कहा सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी। वन मित्र योजना को भी मंजूरी मिली, योजना के तहत 2,161 पदों पर भर्ती की जाएगी, बेघर लोगों को घर बनाने के लिए दी जाएगी जमीन। चंडीगढ़ में सेक्टर 18 के टैगोर थिएटर में 1 नवंबर को हो सकती है लाइव डिबेट, विपक्षी नेताओं के साथ सीएम भगवंत मान हो सकते हैं शामिल। बिहार के बक्सर में ट्रेन हादसा, आनंद विहार से कमाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस की सभी बोगियां पटरी से उतरी, राहत बचाव जारी। हादसे में 4 लोगों की गई जान, करीब 100 यात्रियों के घायल होने की खबर, कई घायलों को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया। बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात करीब 10 बजे हुआ हादसा, पटरी से उतरने के बाद सभी बोगियां इधर उधर बिखरी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस, कुछ ही देर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली, रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्यों को तेज करने का आदेश दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया, बचाव कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। बक्सर के डीएम एसपी और तमाम बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया। यात्रियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए रेलवे ने कंट्रोल रूम बनाया, हादसे की वजह अभी साफ नहीं। बक्सर पटना और दीनदयाल उपाध्याय नगर में रेलवे ने बनाए कंट्रोल रूम, जारी किए फोन नंबर। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन पहुंचाया गया पटना। रेल हादसे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर बड़ा असर, रूट पर दौड़ने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया। रेलवे ने रूट से गुजरने वाली नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी और डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी सहित कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया। असम में बरपेटा के गांव में तकनीकी खराबी के चलते एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, कोई हताहत नहीं, हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने की कोशिश। दिल्ली में फिर देखे बेखौफ बदमाश, मुंडका के घेवरा में पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर बदमाशों ने पिस्तौल के बट से हमला किया, हुए फरार, अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। राजस्थान में बदली गई चुनाव की तारीख, 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाली शादियों और देवोत्थान एकादशी की वजह से तारीख में बदलाव किया। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से तारीख में बदलाव की मांग पर चुनाव आयोग का फैसला, 23 नवंबर को राजस्थान में सैकड़ों शादियां। 30 अक्टूबर को अधिसूचना और नामांकन की होगी शुरुआत, 6 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 9 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख। गृहमंत्री अमित शाह का रोहतक दौरा, ब्रह्मलीन महंत चंद्रनाथ योगी की मूर्ति का अनावरण किया। गृहमंत्री शाह ने श्री बाबा मस्तनाथ मठ में लगाई हाजिरी, पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद दिया। रोहतक में गृहमंत्री शाह ने कहा पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान की वजह से एशियन गेम्स में भारत ने जीते 100 से ज्यादा मेडल। भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए माई भारत नाम की संस्था बनाने का फैसला, कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। करीब 40 करोड़ युवाओं के हित के लिए सरकार का फैसला, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर माय भारत लॉन्च होगा। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण स्मृति स्थल जाने से प्रशासन ने अखिलेश यादव को गेट पर रोका, दीवार लांघकर अंदर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख।
अखिलेश यादव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अगर अखिलेश इतना अच्छा कूदना फांदना जानते हैं तो उन्हें भारत के लिए एशिया गेम्स में जाना चाहिए। बीजेपी के तंज पर एसपी सांसद डिंपल यादव का पलटवार, कहा योगी सरकार अन्याय कर रही। बवाल मचने के बाद अखिलेश यादव ने कहा जनता की शक्ति के आगे सरकार की शक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में टिकटों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस में विरोध शुरू, देवास में कांग्रेस नेता दीपक जोशी के खिलाफ पोस्टर लगे। सीएम योगी की बुलडोजर नीति का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया विरोध, कहा मुश्किल से बनता है घर, देवरिया कांड को प्रशासनिक लेट लतीफी का नतीजा बताया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, मर्डर केस में दोषी को सजाए मौत से मुक्त करने के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध। दिल्ली में मेरठ के एसपी विधायक अतुल प्रधान का सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकला काफिला, वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमाया। राजस्थान के सांचौर में बीजेपी सांसद देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध, कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर किया पथराव। गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद का सीएम योगी का पर विवादित बयान, केस दर्ज होने के बाद माफी मांगी। इस्राइल से भारतीयों को निकालने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत, भारत सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन अजय। इस्राइल से भारतीयों को निकालने के लिए विशेष विमान भरेंगे उड़ान, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नवरात्र में गरबा के लिए गुजरात में तैयारियां जोरों पर, सूरत में गरबा प्रैक्टिस सेशन का आयोजन। गरबा प्रशिक्षण लेने आए नौजवानों में गजब का उत्साह नजर आया, पारंपरिक परिधान में गरबा की जमकर प्रैक्टिस की। गरबा प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्केटिंग के साथ बच्चे और बड़े गरबा सीखते नजर आए, कई लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर गरबा की प्रैक्टिस की। यूपी के औरैया में निकाली गई शिव बारात, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नुमाइश मैदान से निकली शिव बारात शहर के कई रास्तों से होती हुई नुमाइश मैदान में आकर हुई खत्म, रामलीला कमेटी की देखरेख में आयोजित। औरैया में आज से रामलीला का शुभारंभ, 15 अक्टूबर को धनुष यज्ञ का आयोजन, 24 अक्टूबर को लगेगा रावण मेला। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला, आयोजन को सफल बनाने के लिए साधु संतों की बनाई गई कमेटी। क्रिकेटर सुरेश रैना हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचे, विशेष पूजा कर क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना की। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया पुराना संसद भवन, संविधान सदन की शानदार लाइटिंग के नजारे ने मनमोहा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए स्पीकर ओम बिरला ने संदेश दिया, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी, 13 अक्टूबर को पीएम करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। श्रीनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया गया नागरिक अभिनंदन, कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। दिल्ली में एक मंच पर दिखे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, लेखक रंगा हरि की किताब पृथ्वी सूखता का विमोचन किया। पणजी में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। अंबाला में नगर की फाइनेंस कमेटी की बैठक, शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए पास हुए दो एजेंडे। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनाव में जीत दिलवाने के लिए दिलाई कसम। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ लघु उद्योग भारती स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, सीएम ने सभा को संबोधित किया। मुलुगू में सम्माक्का सरलम्बा मंदिर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दर्शन की, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सहरसा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत डाक विभाग ने निकाली अमृत कलश यात्रा, 23 प्रखंडों से इकट्ठा की हुई मिट्टी दिल्ली भेजी जाएगी। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वंदना कटारिया पहुंची अपने घर हरिद्वार, शानदार स्वागत किया गया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भव्य रोड शो किया, सीएम ने लोगों से हाथ मिलाकर स्वीकार किया अभिवादन।
हरिद्वार में सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ पहुंचे शांति कुंज धाम, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उज्जैन में गौमाता बचाओ यात्रा में शामिल हुए दिग्विजय सिंह, साधु संतों के साथ पूजा पाठ किया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कोडरमा के स्कूल का दौरा किया, बच्चों को दी संविधान से जुड़ी जानकारियां। मथुरा के शाही ईदगाह स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज, प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। पाकिस्तान के सियालकोट में मारा गया 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड राशिद लतीफ, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। भारत सरकार का वांटेड आतंकी था राशिद लतीफ, एनआईए को भी यूएपीए केस में थी तलाश। झारखंड के हजारीबाग में केयर टुडे की पहल पर 400 साइकिल का वितरण किया गया, स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी गई। केयर टुडे के बैनर तले नवभारत जागृति केंद्र का अभियान, खास मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे, कहा हजारीबाग में बनाया जा रहा साइकिल बैंक। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, अफगानिस्तान पर शानदार जीत का लोगों ने जश्न मनाया। दिल्ली में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, रोहित शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। रोहित शर्मा ने 63 गेंदों में बनाई सेंचुरी, पारी में 84 गेंदों पर 131 रन बनाए, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, 56 गेंदों पर बनाए 55 रन, जड़े 6 चौके। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर रहे नाबाद, श्रेयस ने 23 गेंदों पर बनाए 25 रन, ईशान किशन ने 47 गेंदों पर बनाए 47 रन। अफगानिस्तान ने भारत की जीत के लिए दिया था 273 रनों का लक्ष्य, भारत ने 35 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले की बल्लेबाजी, 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 272 रन, बुमराह ने भारत की ओर से चटके 4 विकेट। वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से अहमदाबाद पहुंच चुकी है पाकिस्तान की टीम। भारत पाकिस्तान का मैच देखने वाले दर्शकों के लिए विशेष सुविधा, पश्चिम रेलवे स्टेशन मुंबई रेलवे सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच चल रहा है सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनों की जोड़ी चलेगी, मुंबई से मैच देखने के लिए अहमदाबाद आसानी से आ सकेंगे लोग। बांग्लादेश की टीम पहुंची चेन्नई, कल चिदंबरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले तमिलनाडु के खिलाड़ी चेन्नई पहुंचे, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एशियन गेम्स के पदकवीरों का सम्मान, बैडमिंटन में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी ने स्वागत किया। एशियन गेम्स में पदक जीतकर पुणे पहुंची कबड्डी खिलाड़ी स्नेहल शिंदे, एयरपोर्ट पर लोगों ने स्वागत किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान सुनील डबास का बयान, कहा खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए।